अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारी तीन कंडीशन होती है, एक है हमारी पैरेलल, दूसरी है इंटरसेक्शन और तीसरा है एक के ऊपर एक, ठीक है राइट, एक ही लाइन के अंदर। अब ये कंडीशन को हम कैसे निकाल सकते हैं किसी चीज को, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल से बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे हमने हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है, अगर मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स प्लस वाई इजकल टू वन, ओके, एक्स माइनस वाई इजकल टू टू, ठीक है, समथिंग हमने ये पढ़ा था कि ठीक है किसी भी चीज का एक कोफिशियंट होता है, ठीक है, ये इक्वेशन मान लो वन है, ये इक्वेशन टू है, ठीक है, और मैंने कहा था कि x का जो कोफिशियंट है उसको a1 मानो, वन क्या है इक्वेशन वन का x का कोफिशियंट है जो a1 है, ठीक है, ये यहां से वन डिटेक्ट हो रहा है, a क्या डिटेक्ट हो रहा है x का कोफिशियंट है, दैट इज वन, ओके, यहाँ पे क्या है y का क्या है कोफिशियंट, b1 क्या है, आयुष आयुष बोलो b का कितना है, b1 का सब वन है, वन है, ओके, और c1 क्या है इसमें, यहाँ पे इक्वल टू है, क्या होगा वहां पे माइनस जाएगा, ठीक है, ठीक है, वहां पे बीच में प्लस आएगा और ब्रैकेट में माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस वन, ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, ये क्वेश्चन टू है आपका, और यहाँ पे क्या होगा, ए टू क्या होगा आपका वन, ठीक है, बी टू क्या होगा आपका माइनस वन, ठीक है, और सी टू क्या होगा, ये वहां जाएगा तो माइनस टू, ओके, अब बीच में नहीं आओगे तो एबीसीडी अगर आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अनइंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके। अब इसमें क्या होता है कि अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि भैया अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ठीक है, अब क्वेश्चन समझना, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करूं, ठीक है, तो ठीक है, क्या ये पैरेलल होगा, क्या ये एक के ऊपर एक होगा ग्राफ के अंदर, या वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, हमें हमें प्लॉट करके चेक करने की जरूरत नहीं है एक चीज, ठीक है, हो सकता है कि हमें 10 क्वेश्चन बोल दे और बोलते हैं कि ठीक है इसका नीचे बताओ क्या होगा, ठीक है, कितने सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है, एक लाइन और एक लाइन पे, ठीक है, जितनी भी एक्स और वाई की वैल्यू है, ठीक है, वो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई होनी चाहिए, मान लो कि मैं बोलता हूँ कि भैया x प्लस वाई इक्वल टू टू, ठीक है, और दूसरा भी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू टू है, ठीक है, मान लो, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, जो x की वैल्यू होगी y की वैल्यू, मैं अगर वन वन रखूंगा तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट, ठीक है, दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं यहाँ पे टू की जगह मैं एक काम करते कुछ और भी रखते हैं साथ में, ठीक है, मान लो कि मैं लिखता हूँ कि यार ठीक है थ्री माइनस वन, ठीक है, थ्री और यहाँ पे क्या है वाई क्या है माइनस वन, ठीक है, तब भी टू आएगा, तो थ्री माइनस वन इसी क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, इसी क्वेश्चन के लिए होगा, मतलब जितने भी सॉल्यूशन जो भी इसके लिए काम करेंगे वो सारे इसके लिए भी काम करेंगे, राइट, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही हर जगह काम करेगा, अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम छोटी सी चीज देखते हैं कि इसके अंदर अब क्या हो रहा है, ओके, अगर मान लो कि मैं सपोज यही इक्वेशन ले रहा हूं, ठीक है, इसमें हमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ए वन बी वन और सी वन निकालना, इसके अंदर भी ए टू बी टू और सी टू निकालना, ठीक है, बहुत क्रिटिकल होता है ये चीज, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इसको। अब मैं एक काम करता हूं, इसके अंदर इसमें तीन कंडीशन होते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है, अगर आपका ए वन बाई ए टू, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालना है, सिंप्लीफाइड, ठीक है, याद रखना, ये बहुत क्रिटिकल चीज है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालना होगा, बी वन अपन बी टू इसकल टू सी वन बाई सी टू, ठीक है, तीन कंडीशन होगी अगर है इक्वल, ठीक है, एक ये कंडीशन होगी, मैं बताता हूँ क्या क्या होगा, या ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ठीक है, रेशियो अगर सेम नहीं हो, ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या होगी, एक मिनट, ठीक है, तीसरी कंडीशन में यहां पे लिख रहा हूं, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। अब इन तीनों कंडीशन को आप चेक करो क्या हो रहा है, ठीक है, पहले मैं क्या लिखा, ए वन बाई ए टू इसकल टू बी वन बाई बी टू इसकल टू सी वन बाई सी टू, ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है, ए वन बाई ए टू, दूसरा कंडीशन इसको मान लो बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, मतलब एक बार हमने ये बराबर कर दिया, फिर एक लास्ट वाले को इक्वल किया और फिर सेकंड लास्ट को भी हमने अनइक्वल कर दिया, ठीक है, ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ठीक है, ये तीन कंडीशन है, अगर ये दोनों ठीक है तो ठीक है, अगर हम ये करेंगे और अगर हमको एक्जैक्टली सेम आंसर ये मिल जाता है, ठीक है, ये सारे रेशियो बराबर हो जाते हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये लाइन एक लाइन के ऊपर सेम है, राइट, हमेशा एक ही साथ चल रही है, ओके, जो मैंने बताया था एक के ऊपर एक, ठीक है, अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है, दोनों इक्वेशन में से हम उसका कोएफिशिएंट निकालेंगे a1 a2 c1, ठीक है, कांस्टेंट के साथ और a2 b2 और c2, ओके, फिर इसमें रख देंगे डालू में सिंपल, ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चल जाएगा कि वो दोनों एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, पहले पता चल जाएगा, ओके, ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ठीक है, अगर नहीं है, अगर पहले ही हम ये चेक कर लेते कि इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार इंटरसेक्शन हो रही है, ठीक है, राइट, मतलब अगर ये नहीं आएगा, सिंपल सी बात है कि मतलब ये तो हो गई, ठीक है, और अगर ये आ गया तो हमें फिर ये चेक करना पड़ जाएगा और इन दोनों के बीच में चेक करना पड़ेगा, अंडरस्टूड,
कि वो सी1 बाई सी2 के इक्वल है या नहीं है। अगर ये कंडीशन आती है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज पैरेलल। ओके क्लियर है आपको, क्लियर है? एक बार a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इंटरसेक्शन है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है, वो क्या है, पैरेलल है, और a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, दैट इज कॉल्ड द, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नहीं या सॉरी, वो जो पहले वाला है c1 बाई c2, ओके दैट इज अ कोएफ, ठीक है, एक के ऊपर एक है, और उसके बाद जो है नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 इज इक्वल टू पैरेलल। अंडरस्टूड? आगे समझ में?